यह है नारद पुराण। तो इसमें करवा चौथ के बारे में जो लिखा है तो मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। यह है कि अश्विनी शुक्ला चतुर्थी को पुरुष सूक्त द्वारा षोडशोपचार से कपरदेश विनायक अर्थात गणेश जी की पूजा करें। अब इसमें लिखा पुरुष सूक्त द्वारा, तो पुरुष सूक्त के मंत्र सबको नहीं आते, आप ऐसी कर लो पूजा गणेश जी का नाम लेकर के। और कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को कर्क चतुर्थी अर्थात करवा चौथ का व्रत बताया गया है। इस व्रत में केवल स्त्रियों का ही अधिकार है, इसलिए उसका विधान बताया है। स्त्री स्नान करके वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो गणेश जी का पूजन करें। उनके आगे पकवान से भरे हुए 10 करवे रखे, जो चीनी के खांड के बने करवे होते हैं, और भक्ति से पवित्र चित होकर उन्हें देव देव गणेश जी को समर्पित करें 10 करवों को। और समर्पण के समय यह कहना चाहिए कि भगवान कपर्दी गणेश मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात सुवासिनी स्त्रियों और ब्राह्मणों को इच्छा अनुसार आदर पूर्वक उन कर्मों को बांट दें। सुहागन स्त्रियों को और ब्राह्मणों को उन कर्मों को बांट दें जो 10 करवे रखे थे गणेश जी के सामने। इसके बाद रात में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को विधि पूर्वक अर्घ्य दें। जो भी विधि है इसकी, आप प्रतिवर्ष जैसा भी करते हैं, अलग अलग रीति रिवाज भी होते हैं अलग अलग प्रांतों के। व्रत की पूर्ति के लिए स्वयं भी मिष्ठान भोजन करें, कब? चंद्रमा को अर्घ्य दे करके। इस व्रत को 16 या 12 वर्षों तक करके नारी इसका उद्यापन करें। इसके बाद इसे छोड़ दे, अथवा स्त्री को चाहिए कि सौभाग्य की इच्छा से वह जीवन भर इस व्रत को करती रहे। चाहे तो 12 वर्ष करके छोड़ दे, 16 या 12 वर्ष करके छोड़ दे, और चाहे तो जीवन भर करती रहे। और जब छोड़ना चाहे 12 साल बाद या 16 साल बाद तो उद्यापन करके छोड़े, ऐसे नहीं, क्योंकि स्त्रियों के लिए इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। ये है नारद पुराण के वचन।